हाँ जी बच्चों, आज हम सम करेंगे सम नंबर 60। तो सम नंबर 60 में हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, और जब ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो रिवर्स करना होता है चीज़ों को। तो इसमें दो मेथड हैं, एक है फिक्स और एक है फ्लक्चुएटिंग। तो पहले हम फ्लक्चुएटिंग की बात करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग में है जो सब कुछ लेना होता है, सारा कुछ जो भी गिवन है वो सारा कुछ लेना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर्स, पार्टनर्स आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नेम आ जाएगा सिमरत और बीर, सिमरत और बीर। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल की डेट गिवन है हमें 31 मार्च 2021, और इसकी क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 4,80,000 और 6,00,000, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डेट गिवन है 1 मई। तो 1 मई जो है उसमें कैपिटल की एडिशन भी हुई है और कैपिटल की विड्रॉ भी हुई है। तो एडिशन को माइनस करना है क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं, एडिशन को माइनस करना है और विड्रॉ को प्लस करना है। फिर इसके बाद डेट गिवन है 1 अक्टूबर, और फिर दोबारा से एडिशन और विड्रॉ गिवन है। तो अब विड्रॉ पहले गिवन है तो वो प्लस करना है, और जो एडिशन गिवन है वो माइनस करना है 3,00,000, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉफिट गिवन है, और प्रॉफिट की रेशो भी गिवन है हमें 3:2। तो प्रॉफिट जो है वो रिवर्स, हाँ जी, प्रॉफिट को जो है वो माइनस करना है। तो 2,40,000 को 3/5, 1,44,000 और 96,000, ठीक है। और जो फिर इसकी ड्राइंग्स हैं वो ऐड करनी है, जो ड्राइंग्स हैं वो ऐड करनी है 1,20,000 और 60,000। इस तरह से ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल? तो पहले फर्स्ट की निकालेंगे, 4,80,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,20,000 और माइनस 1,44,000। तो ये आ जाएगा हमारा 576,000, ठीक है। और दूसरे का आ जाएगा 6,00,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 माइनस 3,00,000 माइनस 96,000। तो ये आ जाएगा 3,24,000। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसकी डेट कौन सी आई है? 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल इसकी डेट कौन सी आई है ओपनिंग कैपिटल की? तो पहले हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर ये वाला इंटरेस्ट आप खुद निकालना, ठीक है। तो 576,000। अब ये देखो, फर्स्ट मई को इसने एडिशन करी है, ठीक है। तो इसने एडिशन करी है, एडिशन करने से इसकी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। तो 1 मई को इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? 576,000 प्लस 1,20,000। तो 576,000 प्लस 1,20,000, तो ये आ जाएगा 696,000। और फिर 1 अक्टूबर को इसने कैपिटल विड्रॉ करी है, तो विड्रॉ करने से माइनस हो जाएगी, विड्रॉ करने से कैपिटल माइनस हो जाएगी, ठीक है। विड्रॉ करने से कैपिटल माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 456,000, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल आ गई। तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है, तो अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको गिवन है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 6%। और अब ये देखो, ये वाली जो अमाउंट है कितने मंथ हमारे पास रही, अप्रैल मई अप्रैल, सिर्फ अप्रैल 1 मंथ ही हमारे पास रही। और ये इसके ऊपर कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ये मई से स्टार्ट हो रहा है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 5/12। और फिर ये कितने मंथ हमारे पास रही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 6/12। ठीक है, तो अब इन तीनों का इंटरेस्ट निकालेंगे और वो फिर प्लस कर देंगे। तो पहले का 5760 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 1/12, ये आ रहा है 2880। और फिर 6960, फिर 6%, और फिर 5/12 17400, और फिर 4560 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6/12, तो 13680, 13680। तो इन सभी का अगर हम टोटल करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 33960। हाँ जी, बुक में से माइनस करो, एक आंसर हमारा आ चुका है, कितना है, 33960। ठीक है, 33960। अब इसी तरह से ये सीमर की थी, अब बीर की निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, बीर की निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सेम, 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है उसकी, 3,24,000। फिर 1 मई को उसने, हाँ जी, उसने ड्राइंग करी है 60,000 की। तो ये 3,24 में से, हाँ जी, क्या करेंगे, 3,24 में से, 3,24 में से ड्राइंग करी है तो माइनस कर देंगे 60,000। 3,24 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,64,000। और फिर 1 अक्टूबर को 2,64,000 में प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल 3 लाख। ठीक है, और ये आ जाएगा 5,64,00। अब इसके ऊपर 6% 1/12, 6% 5/12, 6% और 6/12। अब इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो 3,24,000 6% 1/12, तो पहले का इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 1,620, फिर 2,64,000 6% और 5/12, ये आ जाएगा 6,600। और तीसरे का 5,64,000 6% और 6/12, ये आ जाएगा 1,69,20। और इन सभी को अगर प्लस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बुक में से मैच करिए, 25,140, 25,140।